जी हाँ बहन, आप सवाल पूछ सकते हैं। सुनो वुड यू, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर ज़ाइक। वालेकुम सलाम, आपका नाम और आपका पेशा? माय नेम इज यशमा असद गिल एंड आई एम एन एक्ट्रेस। आपका नाम क्या? यशमा असद गिल। यशमा सरगिल। यशमा असद गिल। जी हाँ। ओके, आई नो द टाइम इज लिमिटेड बट आई रियली वांट टू एड्रेस योर कंट्रीब्यूशन इन माय जर्नी। There was a time when I had fallen into the trap of atheism back in the days when I was doing my bachelor's, but alhamdulillah it was your videos and your lectures that brought me back to my religion and brought my spirituality back to me and my faith back to me. So alhamdulillah for that, and thank you for coming to my country and especially my city. You've been a mentor and you are my I'm literally shaking right now. I'm so sorry. Okay, so the question is, pardon me if I say anything wrong because my knowledge is limited, but at the time when I was doing my research and I came across your lectures, there was everything else that I could understand, but one question still remains, which is that this concept of predestination, and then there is this one concept of us human beings and jinnat having free will, right? So agar sab kuch pehle se likh diya gaya hai, ab kuch agar sab kuch predestined hai, to jo concept hai ki agar ek chor kahin pe chori karta hai to wo to pehle se nahi likh diya gaya tha, usko uski accountability kya hai usme free will ke hisab se? बहन ने एक अहम सवाल पूछा है और वो कहती है कि पहले वो एक्ट्रेस थी और वो इसी एजम के जाल में फंस गई थी और मेरे कसर सुनने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो वापस दीन की तरफ रुजू की और अल्लाह सुबहाना व तआला ने हिदायत दी। उनका मेन सवाल है कि कदर के बारे में। मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आप एक फिल्म इंडस्ट्री से वापस सही रास्ते पर आए। बहुत मुश्किल है, अगर मीडिया के जाल में फंस जाते तो निकलना मुश्किल है, लेकिन अल्लाह ताला काफ़ी लोग को हिदायत दे रहा है, आपको भी अल्लाह ने हिदायत दी। जहाँ तक ये सवाल है, उनका सवाल है कदर के बारे में, अबाउट डेस्टिनी, फ्री विल, कि अगर अल्लाह सुबहाना व ताला ने मेरे तकदीर में लिखा कि मैं शराब पीऊँगा और मैं शराब पीता हूँ तो कौन जिम्मेदार? अल्लाह। ये सवाल बहुत कॉमन है लेकिन अक्सर मुसलमान घबराते पूछने के लिए, क्या कोई फतवा ना दे दे मुझे, मैं काफिर हूं। अल्लाह सुबहान व तआला कुरान मजीद में इंसानों को एनकरेज करते सवाल जवाब के लिए, इसलिए कुरान मजीद में आप पढ़ेंगे 323 बार कहा गया है कुल कालू इन्नोक ने कहा, और 323 बार अल्लाह कहते कुल उनसे कहो, यानी कुरान मजीद की एक क्वेश्चन आंसर बुक है। 323 टाइम्स पूछा गया ये क्या सवाल है, अल्लाह बोलता है कुल कहो कुल, उनने पूछा अल्लाह कौन है, कुल वल्लाह वाद। तो ये कुल जो है, सवाल करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन ये सवाल बहुत कॉमन है कि हम तकदीर में मानते हैं या हमारा ईमान है। तो अल्लाह ताला अगर तकदीर में लिखा कि मैं मर्डर करूंगा, मैं किसका कत्ल करूंगा और मैं कत्ल करता हूं, तो कौन जिम्मेदार? अल्लाह। नौज़ुबिल्लाह, अगर लिखा है मेरे तकदीर में कि मैं शराब पीऊंगा और मैं शराब पीता हूं, कौन जिम्मेदार? अल्लाह। नौज़ुबिल्लाह, इसका जवाब यह है कि हमें समझना चाहिए तकदीर की क्या मानी है। और ये सवाल जब मैं दावती मैदान में तकरीबन 35 साल पहले शुरू किया तो ये सवाल मुझे भी बहुत परेशान कर, किसे पूछा नहीं मुझे, अल्लाह की मदद है, अल्लाह की मदद है, जवाब मिलने के बाद ही लोग पूछते हैं। तो पहले चंद साल काफी तहकीक की लेकिन जवाब कोई किताब में मिली नहीं। जवाब मिला फिर मैंने उलमा से पूछा सही है, तो उन्होंने बोले माशाल्लाह अच्छा जवाब है, अब मैं अभी पेश करूंगा आपके सामने। मैं मिसाल देता हूं कि अगर एक टीचर क्लासरूम में 100 बच्चे को पढ़ा रही है, एक साल पढ़ाने के बाद इम्तिहान के पहले टीचर बोलती है ये बच्चा एग्जामिनेशन में फर्स्ट क्लास फर्स्ट आएगा, ये बच्चा सेकंड क्लास आएगा, ये बच्चा फेल होएगा, माफ करना आपको मिसाल बोल रहा हूं, कल मिसाल है आपके लिए,
और एग्जामिनेशन के बाद ये सही निकलता है, ये बच्चा फर्स्ट क्लास फर्स्ट आता है, ये बच्चा सेकंड क्लास, ये बच्चा फेल होता है। मेरा सवाल है कि जो बच्चा फेल हुआ वो बोल सकता है कि टीचर ने प्रिडिक्ट की, क्योंकि टीचर ने प्रिडिक्ट की क्या मैं फेल होऊंगा इसलिए मैं फेल हो गया, क्या वो बोल सकता है ऐसा? हाँ क्या नहीं? हाँ क्या नहीं? नहीं। टीचर देखती थी कि ये बच्चा स्टूडियस है, बराबर होमवर्क करता है, जहीन है, ये बच्चा एवरेज है, ये बच्चा हॉकी खेलता था, क्लास में भी नहीं आता था, पिक्चर देखता था, तो टीचर ने देख के प्रिडिक्ट की। और टीचर अक्सर सही होती है लेकिन इंसान है, गलती भी हो सकती। इसी तरीके से अल्लाह सुभान व तआला एक इंसान नहीं है, अल्लाह के पास इल्मे गैब है, अल्लाह को पहले ही पता है आप क्या डिसीजन लेने वाले हैं। मिसाल के तौर पे एक शख्स आता है चौराहे पे, वो चार में से एक सड़क को चुन सकता है, नंबर एक सड़क, नंबर दो सड़क, नंबर तीन, नंबर चार, वो चुनता है नंबर दो सड़क। चॉइस किसकी? चॉइस किसकी? इंसान की। हाँ क्या नहीं? हाँ क्या नहीं? लेकिन अल्लाह सुबहाना उताल को इल्मे गैब है कि 5 तारीख को अक्टूबर के रात को 1 बजे 1:15 बजे ये चौराहे पे आएगा, उसके पास 4 चॉइस थे, सड़क नंबर एक, सड़क नंबर दो, सड़क नंबर तीन, सड़क नंबर चार। अल्लाह ताला जानते कि ये सड़क नंबर दो चुनेगा, तो अल्लाह ताला लिख देते तकदीर में पहले ही कि ये इंसान 5 अक्टूबर की रात को 1 बजे 1:15 बजे सड़क नंबर दो पे चुनेगा। तो सड़क नंबर दो किसने चुना, अल्लाह ने या क्या इंसान ने? अल्लाह ने चुना या इंसान ने चुना? इंसान ने चुना। तो कौन जिम्मेदार, अल्लाह या इंसान? अल्लाह या इंसान? इंसान। वो आगे जाता है और 3 सड़क आते, सड़क ए, सड़क बी, सड़क सी, वो चुनता है सड़क ए। अल्लाह ताला जानता है कि वो सड़क ये चुनेगा, लिख देता है। कौन जिम्मेदार? इंसान। अल्लाह जानते हैं कि ग्रेजुएशन पास करने के बाद वो इंसान ईमानदारी से कमा सकता है या चीटिंग करके कमा सकता है, वो चीटिंग करके कमाता है। अल्लाह ताला लिख देते कि ग्रेजुएशन के बाद ये इंसान को ऑप्शन नंबर था, ईमानदारी से कमाए, चीटिंग करके कमाए, वो चीटिंग करके कमाएगा, एडवांस में लिखते। तो इससे हमें जाहिर होता है कि अल्लाह चुन रहा है कौन? इंसान। लेकिन अल्लाह ताला के पास इल्मे गैब है, तो अल्लाह ताला इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं क्या वो इंसान ये गलत काम करेंगे। ये नहीं कि अल्लाह लिखते हैं और वो इंसान गलत काम करता है, क्योंकि वो इंसान गलत काम करने वाला है अल्लाह जानते हैं, अल्लाह एडवांस में लिखते। तो कौन जिम्मेदार? इंसान। तो अल्लाह के पास इल्मे गैब है और अल्लाह सुभान व तआला कभी गलती नहीं करते। अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया कि आप चोरी करके जिंदगी बसर कर सकते या ईमानदारी से, आप ईमानदारी से करते, अल्लाह ताला लिख देते क्या ये इंसान ईमानदारी से जिंदगी बसर करेगा। तो कौन जिम्मेदार? इंसान। एक हदीस में आता है कि दुआ तकदीर को बदल सकती है, सही बात है। मिसाल के तौर पे आप जाते हैं एग्जामिनेशन में, आपको पेपर आपका बहुत खराब जाता है, आप जानते हैं मैं फेल होने वाली हूं, आप घर पे आके दुआ करते या अल्लाह मुझे पास कर। अल्लाह सुभान व तआला को पता है कि आप एग्जामिनेशन में जाने वाले हैं, ये तारीख को आप फेल होंगे। अल्लाह को यह भी पता है कि आप घर पे आके दुआ करेंगे, हाँ कि नहीं? अल्लाह को यह भी पता है कि अल्लाह दुआ कबूल करेंगे कि नहीं? अल्लाह दुआ कबूल कर लेता है। तो तकदीर में लिखा है ये लड़की एग्जामिनेशन में जाती है, फेल होने वाली थी, घर पे आके दुआ करती, अल्लाह ताला दुआ कबूल कर लेता, उसे पास कर लेता है। तो हमें पता नहीं कि क्या होगा, तो दुआ करना अच्छी बात है। इसीलिए अल्लामा इकबाल फरमाते खुदी को कर इतना बुलंद कि हर तकदीर के पहले खुदा बंदे से खुद पूछे तेरी रजा क्या है। तो तकदीर का मतलब अल्लाह सुभान व ताला ने आपको इख्तियार दिया है, 100% नहीं, 95% 90%। मैं चाहता हूं मैं दुनिया को तबाह कर दूं, अल्लाह ताला नहीं करेगा,
लेकिन अल्लाह आपकी चॉइस आपके ऊपर छोड़ा है, आपको हिदायत दी कुरान में और हदीस में, आप फॉलो करो नहीं करो आपके ऊपर है, आपके ऊपर फ्री विल है। लेकिन अगर आप कोई गलती करते आप जिम्मेदार, आप कोई अच्छाई करते आप जिम्मेदार। तो इसीलिए तकदीर के बारे में अल्लाह को इल्म गैब है। तो जो भी गलत काम करते हैं आप करते हैं, अल्लाह ताला आपसे नहीं करवाता। तो ये अगर आप समझ लेंगे तो इंशाअल्लाह आप कुरान मजीद की जो तालीमात पे अमल करेंगे और इंशाअल्लाह आप जन्नत में जाएंगे। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। जज़ाकअल्लाह। एक हमारे नॉन मुस्लिम भाई हैं, वो सवाल पूछना चाह रहे हैं। जी, अपना नाम